प्रूफ देख लो गेम में कितना ज्यादा बॉट लॉब गया है। यहाँ पर इस ग्लिच को यूज करने से आपकी गेम में सिर्फ 10 से 20 लेवल के प्लेयर आएंगे जिनका रैंक प्लेटिनम और गोल्ड होगा, जिनको किल करके आप लोग बहुत इजीली ग्रैंड मास्टर, मास्टर, इलीट मास्टर तक रैंक पुश कर सकते हो। एंड बॉट लॉबी ग्लिच को यूज करने के लिए आपको सुबह खेलने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर आप लोग गेम में बॉट लॉबी लेकर के आना चाहते हो, अपने अपोनेंट में ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लेटिनम के प्लेयर लेकर के आना चाहते हो, तो आपको सुबह 4 बजे खेलने की जरूरत नहीं है। आप लोग किसी भी गेम में किसी भी टाइम पर बॉट लॉबी ग्लिच का यूज कर सकते हो। आपकी गेम में बहुत ज्यादा बॉट प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको किल करके आप लोग बहुत इजीली मास्टर, इलीट मास्टर, ग्रैंड मास्टर तक रैंक पुश कर सकते हो। अगर आप बीआर रैंक के नए रैंक सीजन में रैंक पुश कर रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा भाई कितना ज्यादा हार्ड लॉबी आ रहा है। मतलब लास्ट जोन में लिटरली 17 प्लेयर्स अलाइव है। लेकिन अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर सीरियसली रैंक पुश करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देख लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे को 2 ऐसे बॉट लॉबी ग्लिच पता चले जिनको यूज करके आपकी गेम में सिर्फ गोल्ड और ब्रॉन्ज के बंदे आएंगे जिनका लेवल सिर्फ 20 से 30 के बीच होगा। और इतना ही नहीं, आप इस ग्लिच को किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। मतलब बॉट लॉबी लेकर आने के लिए आपको सुबह खेलने की जरूरत नहीं है, आप लोग किसी भी टाइम पर बॉट लॉबी ग्लिच को यूज कर सकते हो एंड एक दिन में 2 से 3 हजार रैंक तक प्लस कर सकते हो। यहाँ पर देखो इस बॉट लॉबी ग्लिच को यूज करके मैं कितना इजीली बोया स्ट्रीक बना रहा हूँ एंड मेरी स्क्वाड के तुम लोग किल्स भी देख सकते हो भाई। हम लोग का केडी, बोया रेट एंड हम लोग का स्ट्रीक इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तुम लोग हमारे किल्स देखो, 8, 9, 10 किल्स है हम लोग का। और अभी हम लोग का इतना ज्यादा बोया स्ट्रीक बन गया है कि हम लोग अपनी बोया स्ट्रीक को ब्रेक भी कर रहे ताकि हम लोग का आईडी ब्लैकलिस्ट ना हो, क्योंकि हमारे गेम में भाई इतना ज्यादा बॉट लॉबी आ रहा है कि हम लोग का बोया स्ट्रीक बहुत इजीली बन जाता है। हम लोग सारा गेम बोया कर लेते हैं भाई बहुत इजीली, 8-10 किल करके हम लोग हर गेम 40-50 प्लस करते हैं। एंड आप भी एक दिन में 2 से 3 हजार रैंक तक प्लस कर सकते हो। अभी तुम लोग देखो हम लोग का बोया स्ट्रीक बना है, मेरा रैंक पोजीशन 160 है एंड मेरा स्कोर ऑलमोस्ट 14,300 कंप्लीट होने वाला है। बीआर रैंक इस नए रैंक सीजन को आए हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए एंड भाई 10 दिन में मैंने 12,000 से भी ज्यादा रैंक प्लस कर लिया है। एंड भाई आप लोग भी इस ग्लिच को यूज करके बहुत इजीली ग्रैंड मास्टर तक रैंक पुश कर सकते हो। बस वीडियो को बिना स्किप करे देख लेना। आप लोग का बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप लोग वीडियो को बहुत ज्यादा स्किप करके देखोगे तो आप लोग को ये ग्लिच को यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ कि इस ट्रिक को, इस ग्लिच को यूज करने से आप लोग का आईडी ब्लैकलिस्ट नहीं होगा, आप लोग का आईडी ब्रॉन्ज नहीं होगा। भाई तुम लोग देख सकते हो मेरे ग्रुप में सबके सब रीजन प्लेयर हैं एंड हम लोग भी इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये कोई ग्लिच नहीं है, ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप लोग गेम में सिर्फ न्यू प्लेयर्स को लेकर के आ सकते हो जिनको किल करके आपका बहुत ज्यादा रैंक प्लस होगा। तुम लोग लॉबी में प्लेयर देख सकते हो भाई, एक भी प्लेयर के पास वेपन ग्लोरी टाइटल नहीं है। इंडिया का टाइटल सिर्फ मेरी स्क्वाड के पास है, एनिमी की स्क्वाड्स के पास, यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट का भी वेपन ग्लोरी टाइटल नहीं है। एंड ये सब मैं आप लोग को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को प्रूव कर सकूं कि आज की वीडियो में आप लोग के साथ रियल बॉट लॉबी ग्लिच और ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। देखो भाई सबसे पहले तो आप लोग का दिल से शुक्रिया इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली। सॉरी मैं आप लोग को कल की वीडियो मिस नहीं कर पाया क्योंकि उस वीडियो का वॉइस ओवर एक दिन पहले हो गया था, भाई आप लोग मेरी फीलिंग समझ सकते हो। एंड भाई साथ ही आप लोग ना थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना है क्योंकि भाई बाहर ना बहुत ज्यादा पटाखे फूट रहे हैं। देखो बीआर रैंक के नए रैंक सीजन में आपको सबसे कम बॉट लॉबी देखने को मिलेगी एंड बीआर रैंक के नए रैंक सीजन में आपको सबसे ज्यादा हार्ड लॉबी देखने को मिलेगी। आपको बॉट लॉबी किसी फिक्स टाइम पर देखने को नहीं मिलेगी एंड साथ ही आप लोग को बॉट लॉबी लेकर आने के लिए अपना रैंक सेम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरी स्क्वाड देख सकते हो, अभी यहाँ पर सारे प्लेयर ग्रैंड मास्टर के, लेकिन सारे प्लेयर ग्रैंड मास्टर के होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर 5,000-6,000 का प्लेयर लेके खेलूंगा तो भाई यहाँ पर हमारी गेम में बहुत ज्यादा हार्ड लॉबी आएगी। यहाँ पर मेरे को सिर्फ ग्रैंड मास्टर 1,000 तक के प्लेयर लेके खेलने पड़ेंगे, यानी कि ग्रैंड मास्टर 2 के प्लेयर लेकर के खेलने पड़ेंगे। अभी तुम लोग देख सकते हो आनंद कु भाई रीजन पर टॉप 10 पर है, इमरान भाई टॉप 13 पर है एंड हमारा थर्ड प्लेयर यानी कि खिलाड़ी भाई अभी रीजन पर टॉप 71 पर है एंड मेरा रैंक रीजन पर 160 पोजीशन पर है। इसका मतलब बॉट लॉबी लेकर आने के लिए सबसे पहले तो अगर आप लोग का रैंक हीरोइक है तो आप लोग को हीरोइक 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार का प्लेयर लेकर ही खेलना है। अगर आप लोग भाई डायमंड का प्लेयर या फिर इलीट हीरोइक 2 स्टार का प्लेयर लेके खेलोगे तो आपको तब भी बहुत ज्यादा हार्ड लॉबी देखने को मिलेगी। अगर आपका रैंक स्कोर मास्टर है और आप इलीट मास्टर का प्लेयर लेकर के गेम में खेलोगे तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लॉबी देखने को मिलेगी। पहले क्या होता था, अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर रीजन का प्लेयर लेके खेलते हो तो भाई 98% आपकी गेम में बॉट लॉबी आएगी, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी गेम में जो
सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है वो है वेपन ग्लोरी टाइटल। उसके वजह से गेम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। अगर आप लोग के पास वेपन ग्लोरी टाइटल है तो आपको बहुत इजीली बॉट लॉबी देखने को मिलेगी। अभी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन तुम लोग स्क्वाड में देख सकते हो हम तीन प्लेयर्स ने इंडिया का वेपन ग्लोरी टाइटल इक्विप किया है एंड आनंद भाई ने अपने डिस्ट्रिक्ट का टाइटल इक्विप किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो रीजन पर टॉप 10 पर है एंड उनके पास कोई इंडिया का वेपन ग्लोरी टाइटल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ग्लिच इन्वेंट करने के लिए या फिर ट्रिक को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अभी देखो, अभी तक हम लोग पूरा इंडिया का टाइटल इक्विप करके खेल रहे थे तो हम लोग को गेम में बहुत ज्यादा नूब और बॉट लॉबी देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट का वेपन ग्लोरी टाइटल इक्विप किया, मतलब हमारे एक टीममेट ने डिस्ट्रिक्ट का टाइटल इक्विप किया, तो अभी तुम लोग देखना भाई हमारा गेम में लॉबी कैसा आएगा। अभी हमारा गेम स्टार्ट हो गया, तीन प्लेयर्स के पास इंडिया का वेपन ग्लोरी टाइटल है एंड एक प्लेयर के पास डिस्ट्रिक्ट का वेपन ग्लोरी टाइटल है। एंड भाई तुम लोग एक बार लॉबी देखो, अब भाई तुम लोग को सिर्फ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट का नहीं स्टेट का टाइटल पूरा लॉबी में देखने को मिलेगा। मतलब लॉबी बहुत ज्यादा हार्ड आ गई है एंड भाई इस तरीके के ग्लिच को इन्वेंट करने में हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, अगर तुम लोग की स्क्वाड में एक जैसा टाइटल होगा तो तुम लोग का मैच मेकिंग बॉट लॉबी से हो सकता है। अगर एक प्लेयर के पास स्टेट का, दूसरा इंडिया, तीसरा भाई डिस्ट्रिक्ट का टाइटल लेकर के गेम को स्टार्ट करेगा तो तुमको बहुत ज्यादा हार्ड लॉबी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा अलग अलग गेम में अलग अलग रैंक के प्लेयर देखने को मिलेंगे। इसीलिए तुम लोग को सेम स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के या फिर टाइटल इक्यू भी मत करो। ऐसा मत करो कि भाई एक प्लेयर के पास टाइटल नहीं है तो तुम लोग उसको किक कर दो। तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि भाई अपने सारे टाइटल को अनइक्यूब कर दो। तुम लोगों ने देखा है भाई बहुत सारे रीजन के प्लेयर अभी उन लोग के पास बहुत ज्यादा इंडिया के टाइटल होते हैं लेकिन वो लोग इक्यूब नहीं करते हैं, क्योंकि देखो पहले जो बॉट लॉबी का प्रोसेस होता था वो कुछ इस तरीके से होता था। देखो ग्रैंड मास्टर प्लेयर जिसका स्कोर बहुत ज्यादा है उसकी गेम में 52 प्लेयर तो ग्रैंड मास्टर के नहीं आ सकते, उसका स्कोर मतलब 50,000 है। देखो जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होता था, अगर आप ज्यादा स्कोर वाला ग्रैंड मास्टर प्लेयर लेके खेलते थे तब आप लोग का बॉट लॉबी आता था, और भाई बहुत ज्यादा स्कोर वाले प्लेयर बहुत ज्यादा कम होते हैं तो उनका मैच मेकिंग गैरिना सीधा सीधा बॉट प्लेयर से कर देता था। मतलब अभी मेरा स्कोर 50,000 है लेकिन 50,000 स्कोर वाले बहुत कम प्लेयर इंडियन सर्वर में होंगे, तो इसीलिए मेरा मैच मेकिंग फिर सीधा नूबड़ा लॉबी से हो जाता था। और अभी के टाइम पर आप लोग क्या करते हो भाई, कोई डिस्ट्रिक्ट का टाइटल इक्विप किया है, कोई स्टेट का, कोई इंडिया का। अब हमारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज्यादा प्लेयर है तो इसीलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर से मैच मेकिंग हो जाती है, स्टेट के प्लेयर से मैच मेकिंग हो जाती है और लॉबी बहुत ज्यादा हार्ड आ जाती है। लेकिन अगर आपकी स्क्वाड में सब ने इंडिया का टाइटल या सब ने स्टेट का टाइटल इक्विप किया होगा तो भाई तुम्हारा मैच मेकिंग सीधा सीधा गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड के प्लेयर से हो जाएगा, सीधा सीधा तुम्हारे मैच में बॉट लॉबी आ जाएगी। और साथ ही अगर तुम लोग बॉट लॉबी लेकर के आना चाहते हो तो तुम लोग को एक और चीज करनी है, ये जो तुम्हारा ऊपर एस्टिमेटेड टाइम है, सबसे पहले तो ये 0, 1 और 16 चल रहा है ना, इसको भाई 1 मिनट से ऊपर तुम लोग को करना है, और नीचे ये जो सेकंड चल रहे ना इसको भाई तुम लोग को ना 1 मिनट 30 सेकंड से ऊपर लेके जाना है। देखो मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल से ऐसा होता है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन जब होता है ना तो फिर कंटिन्यू होते ही जाता है। मतलब अगर एक बार तुम लोग का 1 मिनट से ऊपर का लॉबी स्टार्ट हो गया ना लगना, तो तुम लोग का कंटिन्यू भाई बॉट लॉबी आना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस बात का भी ध्यान रखना, अगर तुम लोग एक बॉट लॉबी में बोया मिस कर दोगे, मान लो अभी हम लोग का बॉट लॉबी आया और तुम लोगों ने बोया मिस कर दिया, तो भाई उसके बाद तुम लोग का सीधा मैच मेकिंग हार्ड लॉबी से होगा। आई होप तुम लोग समझ रहे होंगे। अगर तुम लोग को अभी प्रॉपर समझ नहीं आया तो मैं बॉट लॉबी का एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि अभी पीसी बॉट लॉबी और एक और बॉट लॉबी ग्लिच मेरे पास है जिसको मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, क्योंकि अभी आप लोग के साथ ये जो एस्टिमेटेड और मैच मेकिंग वाला टाइमिंग का सीन है इसको भी एक्सप्लेन करना आप लोग को बाकी है। भाई अगर तुम लोग बॉट लॉबी लेकर के आना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली, मिलते हैं कल की वीडियो में।